भाई ने भाई मेरी राम राम। पूरी दोपहर हो रही है जो मैं सागी काम निकल गया है भाई। इस टाइम आ रहा हूँ मैं तो सामने, और ये है सुरेंद्र चौक। और भाई ज़्यादा सामने बिरानी अड्डे के बारे में जो भाई दुकानदार हैं उनसे बतला लिया कि कुछ कहना उनका। राम राम भाई। भाई ठीक ठाक है? बढ़िया। इलेक्शन आ गया, किसकी सरकार आनी चाहिए? यहाँ जी किरण का चल रहा है तो 100% किरण के। किरण के? ओके। हाँ जी, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार है हाँ। बहुजन समाज पार्टी की आनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की हाँ। हाँ जी बीजेपी। बीजेपी तीनों आदमी तीनों अलग अलग जूस पियो इतने। राम राम भाई। भाई ठीक ठाक है? ओहो बस जी बस। इलेक्शन आकर किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की? हाँ जी भाई जी। बीजेपी? बीजेपी ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू भाई। राम राम भाई। इलेक्शन आकर किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी ओके भाई ओके। ले भाई उस साइड चल कर ले लिया विचार। राम राम जी। इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? किस चीज का इलेक्शन आ गया? एमपी का। किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की। मोदी की? मोदी की भाई। मोदी पक्का? पक्का मोदी। ठीक वाह जी। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों? पूरा तो मोदी सरकार है भाई। मोदी सरकार भिवानी से ही है ना? यू भिवानी का इलाका ना? हाँ भिवानी हल्का तो। ओके ठीक है अंकल जी थैंक यू। चला जी और किसी चला भाई यार। एक तो गर्मी इतनी है और जो भीड़ भाड़ है सारी दुब की बैठी है घर में चाहे दुकाना के अंदर। राम राम भाई जी। इलेक्शन आ गया भाई सब किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आएगी भाई। राम राम। राम राम। इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की ठीक है भाई ठीक है। आया आया आया। राम राम भाई। इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन क्यों होना चाहिए? बहुत से हैं कि मोदी जी ने बहुत सा कुछ वो किया है, वादे काफी के खिलाफ गए हैं बोलने के। जैसे? बहुत से वादे। जैसे दो चार बता दो यार। जैसे रोजगार? रोजगार नहीं मिला। बहुत से रोजगार मिले, कम मिले। रोजगार जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिले। अच्छा भाई साहब। हाँ जी सर। कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, इनके कहने से क्या होता है? हम तो सेटिस्फाई है ना बीजेपी से। ओके अरे क्यों सर? सही बात है सही बात। हाँ संतुष्टि जरूरी है भाई। राम राम जी। और जी कैसे हो? बढ़िया बहुत बढ़िया। इलेक्शन हाँ जी किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो जैन किसकी बोल रहा? मोदी की है सरकार तो। मोदी? मोदी हमारा जैन देसी आदमी है। अच्छा जी। हाँ हमने पार्टी मोदी की लेकिन हम जाट तक कटा। हाँ या बात नूना बोलो। जाट से कटते हैं? मोदी के जी। मोदी की? हाँ जाट से कटा। हाँ कहने को नहीं तू जाट तक कटा। हाँ जाट ना तो देखना है बंदा देखे। हाँ राम 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 राम। हाँ जी मेरी बात सुनो। हाँ जी मेरी बात सुनिए। अच्छा रुके जाट का नाम ना मैं क्या ना वायरल करूँ ये बात। नमस्कार भाई साहब। इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? भाई जेजेपी की आनी चाहिए। जेजेपी? जेजेपी क्यों? बढ़िया नेता है दुष्यंत दुष्यंत चौटाला। ओके ठीक है जी थैंक यू। बस जी गर्मी में परेशान हूँ बाकी सही हूँ। बस जी धन्यवाद 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 जी धन्यवाद। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। राम राम। इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार हाँ। बीजेपी की आओगी भाई। बीजेपी की क्यों? क्योंकि
कोई रिश्वत नहीं ले। अच्छा सही है। हाँ बढ़िया सर। नमस्कार जी। और जी कैसे हो? ऊपर तो बात कर पहले। नमस्कार जी। मैं बताऊं को नहीं, बताओ मन नहीं आ रहा कोई सी सरकार में स्वाद। क्यों कराओगा? किससे क्या है अपने फिर स्वाद क्यों कराओगा ना बताओ। फिर भी कौन आवे? कौन आवे? फिर तो जीए तोड़ रहे हैं। हाँ जी। किसकी सरकार? बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी क्यों? बीजेपी ने भ्रष्टाचार खत्म कराया है और बढ़िया काम करे हैं। अच्छा जी ठीक है संतुष्ट। क्या कहते जी? जिसकी सरकार आ जाए उसके तो ठाट से बाकी जनता में रहे रो रो वो बहुत बड़ कुछ है। बेहतर हो रहे। चाय पीना होगा? ना बस ना कोई बैठे रहने दोनों। भाई राम राम। इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? इलेक्शन आ गया तो भाई मर जाट जमींदारा खतर तो जेजेपी ये ठीक है। जेजेपी ठीक थोड़ा सा। हां जेजेपी ठीक है। कांग्रेस थोड़ा और आप इन मार की के खा गए हो। सही बात है। सही बात है। लॉजिकल बात है भाई। सही बात है। और बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। ठीक राम राम। तो इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी तो मोदी के काम भाई। मोदी हां जी। बीजेपी सरकार आनी चाहिए। बीजेपी ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। बस भाई धन्यवाद धन्यवाद। अरे ना काम घूम को नहीं मजा रहा इसमें तो। नमस्कार जी। सर इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार बीजेपी जा रही है। बीजेपी की? बीजेपी नाले यार मैं वो के नाम। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार भाई। हाँ जी भाई माल कंधा को नहीं किया हुआ किया जाएगा उसकी ठीक से। अच्छा सारी बराबर काम कर लेंगे रोटी खा लेंगे। हाँ नहीं सारी सरकार बराबर फिर तो ठीक बात है। राम राम भाई। राम राम। इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार सारा देश ने भी रहा है हमारे बिहानी थे एक सांसद धर्मवीर। अच्छा और फूलपुर के काम करे हैं रोडा का विकास करे सब क्या है बहुत अच्छा कार्य करे हैं वो दूसरा राष्ट्रवादी सोच है नरेंद्र मोदी आओगा स्पष्ट बहुमत की। सर स्पष्ट बहुमत और क्या देख नहीं रहे दूसरी तरफ कौन है? अच्छा हरियाणा में कितनी सीट आ जाएंगी? हरियाणा में 200 की 200 सीटें पहले से भारी अंतर से। अरे रोहतक का दम है हिसार का दम है रोहतक दीपेंद्र जी अरे शार्दुशन जी फिर आओ इनके आगे है कानूनी का नेता कौन ऊपर है कौन दुष्यंत है? अच्छा राहुल गांधी को कौन पसंद करेगा यार कमाल है लोग दीपेंद्र को तो पसंद कर रहे हैं ना। कौन सा दीपेंद्र है? दिपेंदर जो छत्रवाद के जनक रहे हैं वो दीपेंद्र क्या जी? जो छत्रवाद का दीपेंद्र क्या? अरे बाद में टेक्निक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इलेक्शन आ गया किसकी सरकार? सरकार तो जी मोदी की आएगी। अपने देश को बचाना है तो मोदी को दोबारा से लेना होगा ये अपने राष्ट्र के भावना के हिसाब के हैं। और अभी विपक्ष के पास कोई न तो कोई मुद्दा बचा है ये दो धारा 370 के जो आर्मी को पीछे हटाने की बात कही तो ये सिर्फ है कि देश के विरोधी पार्टियां बच गई जी राष्ट्र के लिए सिर्फ दोबारा से मोदी को लाना होगा। आप क्या काम करते? मैं ब्लॉक समिति से चेयरमैन हूँ जी। यही तो मैं सोच रहा था मतलब इतनी जो एक मंत्री वाली बात है लैंग्वेज वो नॉर्मल आदमी तो होती है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार जी। सर इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? मैं सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस की क्यों? क्योंकि बढ़िया काम करेगी अच्छा बढ़िया काम करने लग रही है पहले भी करे हैं मार्च में मैडम ने काम करने वाली है इसने करे तो सब काम पहले अगर बढ़िया होते तो इतनी सीट नहीं मैडम तो हमारे पहले विधायक है और मैडम के काम मैडम के साथ है। ओके हाँ जी। मोदी मोदी मोदी। ओके नमस्कार जी। कांग्रेस सरकार जिंदाबाद। ओके ठीक है जी। थैंक यू। अच्छा भाई राम राम। और ठीक ठाक है? इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की। मोदी की। ओके भाई थोड़ी देर में वेट कर लो रहे मैं भी। लो जी सुरेंद्र चौक से यो भगवान परशुराम चौक। जय हो भगवान परशुराम की। नमस्कार जी। इलेक्शन आ गया जनाब किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो भाई साहब मोदी की बढ़िया है। मोदी की ठीक है सबसे बढ़िया मोदी की है। बढ़िया ठीक है जी। थैंक यू। ठीक है
आगे जाऊं तो फिर लूंगा बेचारा के। राम राम जी, इलेक्शन आगे किसकी सरकार आनी चाहिए? वो अपन फोन पर आने पड़ गया, वो रहा ना पूछ ले। मोदी अच्छा कि राहुल अच्छा? अरे तो यार परेशान हो रहा भाई तू। मैं भाई राम राम। और भाई ठीक ठाक है? बढ़िया, अपनी सुना भाई। इलेक्शन आगे किसकी सरकार आनी चाहिए? एक क्या बीजेपी आओगे भाई? अच्छा हाँ, पक्की बात? पक्की बात है भाई। कदे टाइम पे दम की जरूरत ना 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 भाई, खुले खुले बीजेपी कांग्रेस आओगी भाई? कांग्रेस आओ, कांग्रेस ना। पक्की बात है? पक्का वोट है भाई। तू और बता दे, ले दे किशोर खाना। बस ही आ जाओ तो सारे जिंदाबाद भाई। से एक क्या बनवाओ, किसकी करवाओगे? इसका बनवा। अच्छा ओके, दुकान में बैठ के उंगली करेंगे। आ जा, क्यों आ जा भाई? भाई राम राम, रुक जा, ट्रैक्टर वाले के ला। किसकी सरकार आनी चाहिए था? वो कांग्रेस की। ठीक है, किस जल्द जाम ला दिया था ना ना ना, बस आगे ले आगे। राम राम भाई, राम राम भाई, इलेक्शन आगे किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की आओगी भाई, पक्की। पक्की बात से? हाँ पक्की बात से। हाँ जी ना, पक्का को लगता मैंने। बता दे भाई, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी, पक्की बात है?